हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे 3575 फोल्डिंग जाली किस तरह बनाते हैं। 3575 फोल्डिंग जाली किस तरह बनाते हैं आपको बताएंगे। 3575 डोमाल, तो वो बना के आप कैसे फिट करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो बनाते हैं, तो इस टॉपिक पे वीडियो है, तो ध्यान से हमारा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो आज हम आपको अगला चैप्टर बताने जा रहे हैं, चलिए तब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ, ये होल फाइल डाल रहे हैं। 3575 का सेक्शन है, 3575 का सेक्शन है। तो इस तरह से 3575 के सेक्शन में होल फाइल डालते हैं, ये लॉक साइड और डालते हैं और टॉप बॉटम में डालते हैं होल फाइल। टॉप बॉटम में डाल देते हैं, फिर लॉक साइड में डालते हैं। अब ये एंगल कटिंग कर रहे हैं, एंगल कटिंग करके उसको अभी इसमें 3575 के सेक्शन में डालेंगे। उसको आधा डोरा अंदर डालेंगे और मार्किंग करेंगे पेंसिल से। फिर पेंसिल से मार्किंग कर रहे हैं, मार्किंग करने के बाद उसको फिर ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग करने के बाद उसको स्क्रू से टाइट करेंगे एंगल को, ताकि दूसरा वाला जो ये हाइट वाला सेक्शन है, हाइट वाला सेक्शन में टाइट करने के बाद वो लेंथ वाला जब दूसरा डालेंगे इसके अंदर, तो ड्रिलिंग करके उसको टाइट करते हैं। तो टाइट करने के बाद उसको फाइल से थोड़ा घस लेंगे। फिर दूसरा एंगल दूसरी तरफ का ये है, नीचे ऊपर दोनों एंगल बनाता है। तो इसको भी मार्किंग मार के ड्रिलिंग करेंगे। तो अभी मार्किंग कर रहे हैं, दोनों दो होल है, 316 से मारा हुआ है। तो उसको फिर मार्किंग मार के ड्रिलिंग कर लेंगे। ड्रिलिंग करने के बाद उसको एंगल को लगाएंगे। एंगल को लगाने के बाद स्क्रू टाइट करेंगे। सेम उसी तरह से दोनों साइड का हाइट वाला में एंगल बांध लेंगे, चार एंगल। अभी ड्रिल से भी स्क्रू स्टार वाला टाइट करेंगे, ताकि मजबूत हो जाए एंगल। दो स्क्रू एक्स्ट्रा टाइट करते हैं, दो स्क्रू एक्स्ट्रा टाइट करने के बाद फिर उसको कोनिया डालेंगे। अभी कोनिया डाल रहे हैं, कोनिया डालने के बाद दोनों साइड से कोनिया डाल लेंगे हाइट वाले में, और फिर लेंथ वाला उठाएंगे, उसके अंदर ऊपर से एंगल डालेंगे और कोनिया खांचे में डाल देंगे, ताकि बैठ जाए सेक्शन। ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये बैरिंग सेक्शन है नीचे का, और उस साइड टॉप सेक्शन है। बैरिंग सेक्शन में स्क्रू मार देंगे, ताकि कातरा बराबर पकड़ ले और फर्स्ट क्लास का टाइट हो जाए। और उस तरह से टॉप में भी उसको ड्रिलिंग करके स्क्रू टाइट कर देंगे, ताकि पकड़ ले। फिर उल्टा करेंगे और फ्रेम हाइट वाला ये नीचे है जो, इसको भी टाइट कर लेंगे। दोनों तरफ एक साथ में डालेंगे, कोनिया फंसा लेंगे। कोनिया फंसाने के बाद उसमें, ताकि कॉर्नर इधर उधर न हिले, इसलिए कोनिया फंसाते हैं। कोनिया फंसाने के बाद आपको दोनों तरफ कोनिया फंसाने के बाद कातरा बराबर करके उसको ड्रिलिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह ड्रिलिंग हो रहा है। तो टॉप का हुआ, लेंथ का हुआ। अभी यू चैनल में होल मार लेंगे। ये यू चैनल है जिसमें जाली फंसाया जाता है, और ये इंटरलॉक पट्टी है, इसमें होल फाइल डाल लेंगे। ये साइड में गैप के लिए इंटरलॉक पट्टी लगाते हैं, और ये जाली है मैस्किटो।
इसकी तो जाली को बिछाएंगे और फिर इसको साइड से फोल्ड करेंगे। इसको साल जाली बिछा के उस साइड से फोल्ड करेंगे ताकि ग्रुप के अंदर वो यू चैनल पूरा अच्छी तरह से फंस जाए। और फिर इसके बाद चारों तरफ से इस तरह से फिर इसको हाइट में 1.25 इंच बड़ा जो साइज रहता है उससे काट के उसको मोड़ के अंदर 1.25 इंच चारों तरफ से साइड से जाली कटिंग कर लेते हैं, फिर मोड़ के अंदर डालते हैं। अंदर डालने के बाद ये देखिए सब पूरा चारों तरफ से जाली डाल चुके हैं। अब यू चैनल डाल दिए उसके अंदर फंसाए और फिर ड्रिलिंग करेंगे ताकि वो खांचे में अच्छी तरह से फंस जाए, इस तरह से स्क्रू टाइट हो जाए। सवा का स्क्रू लगता है इसके अंदर, सवा का स्टार स्क्रू मार देंगे जो यू चैनल में ड्रिलिंग किया था उसके अंदर डाल के मार देंगे, स्क्रू टाइट कर देंगे चारों तरफ से। वो साइड का कर लिए, इस साइड का यू चैनल डाल के इधर का भी स्क्रू टाइट करेंगे। स्क्रू टाइट करने के बाद आपको 3575 का जाली किस तरह फोल्डिंग बनता है आप समझ जाएंगे। तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को थोड़ा सा क्रॉस काट लेते हैं ताकि वो जाली फंसे ना फटे ना। हमारे चैनल को स्किप करके ना देखें, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, ये स्किप करने से पूरी बात समझ में नहीं आती है। ध्यान से एक एक पॉइंट देखेंगे तो आपको जाली बनाना आ जाएगा। डोमाल 3575 का जाली है, आप ध्यान से देखिए ये जाली किस तरह से बनी हुई है। अभी जाली बन चुकी है। धन्यवाद, नमस्कार।